अब तो भाई छू देगी। ओवर स्पीड लिमिट 120 से ऊपर चली गई। देखो इमरजेंसी ब्रेक लगा ना, इंडिकेटर ब्लिंक करने लगे, इसको बोलते हैं इमरजेंसी ब्रेकिंग लगना। मैंने एक रील डाली थी, पहले रील देख लो ये कि स्क्रीन ही नहीं चलती है ना, और आवाज बढ़ाऊंगा देखो यहाँ। लो यहाँ पे हैंग हो गया ये। सुबह सुबह का टाइम है और गाड़ी भी डालने ही जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इस गाड़ी में यार काफी समस्या आया। महिंद्रा की तरफ से मैंने ना एक रील डाली थी, पहले रील देख लो ये। भाई बताऊं, इतना खुश रहता हूँ ना एक्सयूवी खरीद के कि स्क्रीन ही नहीं चलती है ना, और आवाज बढ़ाऊंगा देखो यहाँ से, आवाज भी बढ़ेगी मगर गाने नहीं चलते, एप्पल कारप्ले नहीं चलता। गाड़ी बहुत अच्छी है, मन करता है कि गाली दे दूं मां बहन की इसको, किसी दिन की गाड़ी नहीं है यार इसमें, हर तीन दिन दो दिन में बार बार होता है ये तो साला। और ये रील डाली मैंने जैसे, इसके बाद मेरे पे रिस्पॉन्स आया कि आप गाड़ी को हमको दे दीजिए, और जब तक गाड़ी हमारे पास रहेगी तब तक हम यहाँ से पता नहीं क्या ही कनेक्टिंग चलता ही नहीं है, और गाड़ी को हम आपकी को सही करते हैं। तो मुद्दा ये है भाई कि गाड़ी को मैं दे रहा हूँ अब, और सर हमको गाड़ी आप दे दीजिए, हम चेक करेंगे, सर्विस करेंगे, अपडेट करेंगे, मतलब जो भी चीज़ है। रील डालने के बाद कंपनी ने सुना, बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा महिंद्रा ऐसा है महिंद्रा वैसा है, महिंद्रा की सर्विस अच्छी है और मुझे महिंद्रा काफी पसंद भी है। अब भाई ये उन्होंने बोला कि हम घर से पिक करवा लेते हैं, मैंने बोला नहीं आप घर मत आइए, मैं ऑफिस जा ही रहा हूँ, तो मैं ऑफिस से मतलब दे दूंगा गाड़ी आपको, और जब वो मेरी गाड़ी ले जा रहे हैं तो मेरे को दूसरी गाड़ी भी एक अरेंज करके दे देंगे टाइम भी, जिसको मैं लाइक चला सकता हूँ। तो भाई चलते हैं, आओ फटाफट। भाई बहुत दिन चला लिया अपनी एक्सयूवी, अब ना 3-4 दिन तक ट्राई करेंगे स्कॉर्पियो एन को। भाई बहुत दिन से मेरा मन भी था कि स्कॉर्पियो एन मिल जाए, मैं मांग लेता, अब मिल रही है तो भाई ट्राई करेंगे, ड्राइव लेंगे, और कैसा ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस है सब चीज का वीडियो लाऊंगा। पहले तो भाई ड्राइव से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ फटाफट शोरूम चलते हैं, इसको देता हूँ मैं अपनी 700 को, अपडेट हो के जो मिलेगी बढ़िया हो जाएगी, एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे गाड़ी टिप टॉप है, 14.5 का माइलेज भी दे रही है। चलो फटाफट। तो भाई इसको तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, थोड़ी गंदी भी हो रही है, अभी बाहर गए थे अब जरा, और अब चलते हैं भाई, सामने खड़ी है रेड वाली, इसको लेके चलते हैं, चाहे मेरे पास ही रही तो 2-3 दिन गाड़ी मेरे पास ही रहेगी है। तो भाई दूसरी गाड़ी में मैं आ चुका हूँ भाई आपकी एन के अंदर, आ जाओ भाई चलते हैं लेके, एक ड्राइव पे लेके चलते हैं, क्या फील है, कैसा फील है, फ्यूल वगैरह पड़ा है नहीं पड़ा है? हाँ भाई फ्यूल भी काफ़ी है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये भाई टॉप मॉडल है, Z8L सनरूफ वगैरह सब चीज़ है गाड़ी के अंदर। अब ये गाड़ी भाई अपनी है, 2-3 दिन के लिए डीजल मैनुअल के अंदर है गाड़ी। भाई इसका क्लच तो बहुत सही है यार, बहुत प्यारा काम कर रहा है क्लच, इतना लाइट है, गियर ऐसे डल रहे हैं मक्खन की तरह से। और भाई एक चीज़ बताऊँ ना, मैं इसमें ऊंचा बैठा हुआ हूँ काफ़ी। आओ हाईवे पर लें जरा, थोड़ा सा ड्राइव रिव्यू में दिखाऊँ आपको यार। इसमें ना मैंने मतलब इतनी नहीं चलाई कभी, है मेरे को गाड़ी ये पसंद है, मैं मना नहीं कर रहा, मगर जब मैंने 700 भी ली थी ना तो उसमें मुझे देखो बंद हो गई ना, जैसे अभी इसको स्टार्ट करूँ थोड़ा क्लच का वो पड़ता है, तीसरे में नहीं उठ पाती। ये भाई उठ गई, इसकी ड्राइव वगैरह पे कैसे दिखाएगा वो स्पीड, और यहाँ पे आ जाएगी शायद से स्पीड, इसको टॉगल करते हैं फ्यूल इन्फो डिजिटल स्पीड, यहाँ से दिखाएगा डिजिटल स्पीड 42-40 कुछ की। भाई इनिशियल रिस्पांस बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक सीट वगैरह सब चीज़ें हैं गाड़ी के अंदर, और ये देखना विजिबिलिटी भी काफ़ी प्यारी दे रही है। आओ भाई एक बार पुल करें थोड़ा सा, कैसे पुल है कैसे है, ओए ओए भाई टॉर्क तगड़ा है गाड़ी के अंदर, बताऊं 1700-1800 के बाद एक ग्रंट आता है गाड़ी के अंदर। ये कौन से गियर में, चौथे में, ये डाला पांचवा, 90 छूरी, बहुत अच्छी ड्राइव है यार। 700 के मुकाबले अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखो, एक तो मैं ऊंचा बैठा हूँ काफ़ी ज़्यादा, बहुत ऊंचा बैठा हुआ हूँ मैं, और एक मुझे अच्छा सा फील आ रहा है इसको चलाने में, क्यों भाई अलग गाड़ी, ऑब्वियस ही बात है गाड़ी बदल जाएगी तो फील तो आएगा ही, गियर डाउन करो, चौथा डाला, चल बेटा चल, गुड भाई बहुत तगड़ी है, अच्छा फील दे रही है। इंडिकेटर देते हैं, थोड़ा सा हाईवे पे जाम सा है ये, थोड़ा हटे तो मज़ा आता है चलाने में। इधर से लेते हैं, अब ग्रंट चेक करना, इनोवा इनोवा बेटा कोई नहीं टिक रही आगे, जब एक ये भागेगी ना स्कॉर्पियो एन, 80-85 तक तो छूती यार, स्पीड बहुत तगड़ी पकड़ती है, तो बहुत बढ़िया भाई फील है।
बहुत पॉजिटिव लग रही है भाई। मैंने हेक्टर भी चला रखी है, आप हेक्टर को भी ड्राइव करके देखना एक बार, फील देखो। ड्राइवेबिलिटी वाइज अगर मैं बात करूँ ना, ऊंचे बैठे हो उसके अंदर और एक रुतबा सा तो लग रहा है, मगर कंफर्टेबल ड्राइव थोड़ी सी, मैं बोलूँ 19-20 का फर्क, तो हेक्टर की थोड़ी सी बेटर है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। 88, 91, 92, क्या बात है, क्या बात है भाई। अब स्पीड चेक करेंगे, है ना, ऑलमोस्ट खाली है हाईवे भाई। देखो ये दूसरा गियर है, ये मेरा पांचवा ही ढल गया गलती से, तीसरा डाल रहा था मैं पिकअप। ओ बेटे 105 छू दी भाई पांचवे में, क्या भाग रही है भाई, रिफाइनमेंट फील हो रहा है, बहुत प्यारी हैंडलिंग लग रही है, बहुत प्यारी और कंफर्टेबल भी फील हो रही है। ऐसी बात नहीं भाई, एन ना बिक रही है और इसीलिए बिक रही है, मतलब फील है यार। चौथे में डाल दी गियर डाउन, अब एक बार और पुल करके देखते हैं। बहुत अच्छी ड्राइव लग रही है यार, मतलब इसमें देखो एक आध कमी है, जैसे मैनुअल इनसाइड रियर व्यू मेरा इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ये वाला, है ना। और भाई सोनी ओनी के ट्विटर यहाँ पर भी लग रहे हैं आपके सिर के ऊपर ही बिल्कुल, क्या फीडबैक है। स्टेयरिंग का फीडबैक अच्छा है यार, एक्सयूवी से थोड़ा सा भारी स्टेयरिंग है मगर अच्छा है, भारीपन भी कभी कभी अच्छा होता है भाई, इतने लाइट स्टेयरिंग व्हील का भी कोई फायदा नहीं है कि मजा ही ना आए चलाने में। ये डाला चौथा, इक्यासी, तो ये चलाने नहीं देते। हाँ अब सही है ना, चौथे में है अभी, ये डाला पांचवा, अब तो भाई छू देगी। ओवर स्पीड लिमिट 120 से ऊपर चली गई है, 120 से ऊपर थी भाई, ओवर स्पीड लिमिट की अलर्ट दे दी इसने, क्या भागी। पिकअप बहुत प्यारा है यार, मक्खन भाग रही है एकदम, जैसे बोलते ना ऑन पॉइंट, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी साइड में लेते हैं एक बार, अब जैसे मैं ब्रेकिंग की बात करूं ना, तो ये देखना, देखो इमरजेंसी ब्रेक लगे ना, इंडिकेटर ब्लिंक करने लगे, इसको बोलते हैं इमरजेंसी ब्रेकिंग लगना, इंडिकेटर ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड इमरजेंसी ब्रेकिंग। क्या बात है, क्या बात है भाई। इधर ले लो, क्लस्टर वगैरह भी चेक कर सकते हो, सब चीज से लोडेड है। बस ये 4x4 में नहीं है, टॉप मॉडल अरुण भाई का 4x4 था, ये आपका 4x2 मैनुअल 7 सीटर के अंदर है गाड़ी। चीज चेक कर रहे हो, अच्छी लग रही है भाई, बहुत अल्टीमेट लग रही है। चलो भाई कैसे लग रही है ना, मतलब मुझे बता रहा है, एक बार गाड़ी को साइड में लगाते हैं और एक बार मैं वीडियो को एंड करता हूं, है ना, तो आप गाड़ी का एक बार लुक भी चेक कर लेना कैसी लगती है। एमजी के शोरूम में जाना है मुझे, एमजी ब्लैक डार्क स्ट्रॉम है, ब्लैक स्ट्रॉम है कोई गाड़ी आई है, उसका एक शूट निपटा लूं जरा फटाफट से। आओ यहाँ पे लगाते हैं, एमजी का शोरूम यहाँ आ गया भाई, एमजी के शोरूम पे आ गया हूँ मैं, गाड़ी एक बार और दिखा दूं, बंद करते हैं तो भाई यहाँ से होगी बंद। उम्मीद करता हूँ भाई आपको वीडियो लगा होगा अच्छा, गाड़ी भी यार एक नंबर है, प्यारी भागती है बहुत ज़्यादा। तो यार कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे भाई कमेंट्स में बता सकते हो। मेरी तरफ से भाई यही था, दिस इज़ अ स्कॉर्पियो NZ8L है एंड रेड कलर में, काफ़ी ज़्यादा क्लासी लग रही है। मिलते हैं भाई अगले वीडियो के अंदर।